हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.6। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट हमें इसमें एक्सप्रेशन गिवन है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y², तो पहले हम आइडेंटिटी की पहचान करेंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ठीक है, थ्री आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये हमने पहले भी की हुई हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस। सम नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट में ये एक्सप्रेशन देखें कि किसके साथ मैच हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पे होल स्केयर है, यहाँ पे तो होल स्केयर नहीं है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पे माइनस का साइन भी नहीं है और दोनों के अलग अलग स्केयर भी नहीं है। अभी हम इसकी राइट साइड वाली जो है ना उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू ब्रैकेट्स हैं तो यहाँ पे तो नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया। अब जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे भी टू टर्म की स्क्वायर है और साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म है। तो हमने देखना है क्या इन दोनों में से किसके साथ कंपेयर करके देखना है, क्या ये वाली आइडेंटिटी बनती है या ये वाली। अभी जैसे 4x² है तो 4x² जो है, x की तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हमने कंबाइन कर दिया। आगे 9y² 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का, एंड y का स्क्वायर ऑलरेडी है, दोनों का स्क्वायर जो है कंबाइन कर दिया। यहाँ पे मींस यहाँ पे ये चीज़ जो है ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर और सेंटर में हमने बनाना है 2 into a into b। अब हमने देखना है ये जो सेंटर वाली टर्म है क्या इन दोनों के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। तो सेंटर में जैसे हमने आइडेंटिटी यही दोनों में से ये देखनी है कि 2ab बनाना है हमने, तो 2 हमने लिखना ही लिखना है, 2 लिखना है लिखना है। जो a होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म आएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2x और सेकंड टर्म जो है वो क्या है हमारे पास 3y। ठीक है, तो मींस ये a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू कितनी है 3y। ए तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पे क्या चल रहा है 2x और बी की जगह पे क्या चल रहा है 3y, तो इन इसका होल स्क्वायर। अब अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसका मीनिंग हमने इसको 2 टाइम लिखना है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ये नहीं करना कि आप लोग सोचो कि ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर होता है, बीच में माइनस है तब हम एक बार माइनस डालते हैं एक बार प्लस, लेकिन जब होल स्क्वायर होता है तो उसका मीनिंग जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो साइन चल रहा है वही डालेंगे हम। अगर प्लस है तो दोनों में प्लस ही, अगर माइनस बीच में है तो दोनों में माइनस ही आएगा। ठीक है, साइन ही चेंज करना कि एक पॉजिटिव रखे एक नेगेटिव, वो गलत हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे है 9a² माइनस 24ab प्लस 16b². 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, a की ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ पे 16 है उसको ब्रेक कर लिया 4b का स्क्वायर। ठीक है, कि 16 जो है 4 का स्क्वायर है, b की ऑलरेडी पावर 2 है, तो दोनों की पावर हमने कंबाइन करनी। फिर से ये आइडेंटिटी देखना है कि कंपेयर करना है, ये वाली बन रही है ये वाली, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो इसका मीनिंग ये वाली बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमने जैसे हमें चाहिए माइनस 2ab, तो जो सेंटर वाली यहाँ पे टर्म है, ठीक है, तो हमने इसको बनाना है 2ab, 2 हमने लिखना है लिखना है। जो a होगा a की जगह पे क्या आएगी ये वाली फर्स्ट टर्म, और जो बी होगा उसकी जगह पे क्या आएगा 4b। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सेंटर वाली टर्म बन रही है, अगर मल्टीप्लाई करके वही बन रहा है तो मींस जो हमने सोचा है वो आइडेंटिटी ठीक है। 2 into 3 6, 6 into 4 24 और साथ में क्या आ रहा है ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर वे से हमने ये जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको इस वे से ब्रेक किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या चल रहा है 3a और b की जगह पे 4b, तो इसलिए आ जाएगा 3a माइनस 4b होल स्क्वायर, 3a माइनस 4b होल स्क्वायर। अब इसकी पावर फिर से 2 है, तो मैंने बताया कि अगर होल पावर हो तो हमने इसको 2 टाइम एक्सपेंड करना है। यहाँ पे फिर से अगर आप लोग सोचोगे यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर और हम इसको इसके इक्वल लिख दें, तो अगर करोगे तो फिर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सम को क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है, तो फैक्टराइज़ करना है इसके फैक्टराइज़ की होल पावर, यहाँ तक भी लिख लोगे तब भी ठीक है, अगर इसको 2 टाइम एक्सपेंड कर लोगे तब भी ठीक है।
तो यहाँ पे माइनस है तो आपने दोनों ब्रैकेट में माइनस का साइन ही डालना है, ठीक है। साइन ये नहीं करना है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट सम सम नंबर फिफ्थ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 16। पहले जो एक्सप्रेशन गिवन थे वहाँ पे थ्री टर्म्स थी, अभी इसमें फोर टर्म है। तो यहाँ पे अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, और सेंटर में टू ए बी बना हुआ। ये तीनों जो टर्म है, ये तीनों टर्म से एक्सप्रेशन ऐसा बना है, आइडेंटिटी एक बन रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसका मीनिंग हम अगर फर्स्ट थ्री टर्म को कंबाइन कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, देन इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 16 है उसको हमने बाहर ऐसे लिखा ब्रैकेट के बाहर, अब हमने देखना है जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन ये वाला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, ये इसको हम कंसिडर करेंगे पूरा ए और ये बनेगा बी। तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी माइनस फोर, ए प्लस बी प्लस फोर मीन्स ए, ये पूरा ए है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी। एक बार इसको लिखना है और माइनस फोर, एक बार इसे लिखना है फिर प्लस फोर, ठीक है। नेक्स्ट है सम नंबर 7, 9 ए रेस्ट पर 4, 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 16 बी रेस्ट पर 4 माइनस 256। तो यहाँ पे भी फोर टर्म है, फिर हमने इसमें क्या करना है, थ्री टर्म जो हैं उनको हम कंबाइन करेंगे और देखना है क्या वो आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर की या ए माइनस बी होल स्क्वायर की। एक आपने 7.4 एक्सरसाइज की थी उसमें भी फोर फोर टर्म आती थी, तो हम उसमें टू टू टर्म को कंबाइन करके कॉमन निकालते थे। लेकिन अभी इसमें सबसे मेन बात होती है कि हमने एक्सप्रेशन को देखना है वो किस वे का दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है तो ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर हमने वही करना है कि टू टू टर्म में से हमने कॉमन निकाल के इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में तो यही तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ होनी है। यहाँ पे 9 ए रेस्ट पर 4 माइनस 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने 9 जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं, 9 है 3 का स्क्वायर और ए रेस्ट पर 4 है, हमने उसकी पावर 4 है, 2 अंदर रखनी 2 बाहर। और 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 स्क्वायर और बी रेस्ट पर 4, बी रेस्ट पर 4 उसकी पावर हमने लिख दी, बी रेस्ट पर 2 एंड होल पावर उसकी 2, ठीक है। अब इन दोनों की पावर जो है हमने कंबाइन कर दी। अब सेंटर वाली टर्म देखनी क्या इन दोनों के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, ये वाली जो टर्म है 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस ही लिखना है। अब 2 ए बी देखना है, 2 लिखना है लिखना है, जो ए है उसकी जगह पे क्या आएगा 3 ए स्क्वायर और जो बी है उसकी जगह पे क्या आएगा 4 बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, बीच माइनस है माइनस और इसका होल स्क्वायर 256 को हमने लिख दिया 16 का स्क्वायर। फिर से ये पूरी जो टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कंसिडर करेंगे ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार इसे लिख के माइनस 16, एक बार इसे लिखना है प्लस 16। नेक्स्ट है सम नंबर 8, 16 माइनस ए रेस्ट पर 6, 4 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 4 बी रेस्ट पर 6। तो यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे है ए और बी और इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये वाली टर्म है ए बी, तो मीन ये डिफरेंट है, तो हमने क्या करना है ये तीनों टर्म कंबाइन करनी है। तो कंबाइन करने के लिए अभी हमें चाहिए, जैसे जो फर्स्ट टर्म है ये वाली पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म दोनों नेगेटिव बन रही है, इसलिए हमने इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल दिया। अगर माइनस कॉमन निकालेंगे होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब हमने इसकी जो पावर 6 है इसको ब्रेक करना है 3 इंटू 2 और यहाँ पे भी है 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बी रेस्ट पर 6 है, 3 अंदर रखना है 2 बाहर रखना है क्योंकि हमने एक तरह से इसको बनाया बी स्क्वायर और ये बना ए स्क्वायर। और सेंटर वाली टर्म इन दोनों के अकॉर्डिंगली ब्रेक करो 2 इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाई 2 बी क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो सेंटर वाली टर्म बन रही है। अगर बन रही है तो मीन जो हमने सोचा है वो ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का रिजल्ट है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे ए क्यूब, बी की जगह पे क्या चल रहा है 2 बी क्यूब इसका होल स्क्वायर। 16 को हमने ब्रेक कर लिया 4 स्क्वायर, अब यहाँ पे रिजल्ट बन गया ए स्क्वायर और ये पूरा बन गया बी स्क्वायर। एक बार इसे लिखा माइनस दिस और एक बार इसे लिखेंगे प्लस दिस,
और यहाँ पे इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देना, बाद में साइन इसके चेंज कर देना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस है, तो ये एस डी जी आ जाएंगे। ये टर्म आंसर में आगे पीछे हो सकती हैं तब भी वो ठीक है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टर्म आगे पीछे हो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।